बादशाह सलामत, मैंने ये तो नहीं देखा कि इस मस्करे ने किससे क्या बात की, मगर मैंने इसे ये खुद कहते हुए सुना है कि इसने चुटकुला सुनाते वक्त मराठियों को भगाने के लिए हथियार चुरा लिए थे। ये झूठ बोल रहा है हुजूर। हमारे गुलाम हमसे झूठ नहीं बोला करते, अब अपनी ये मस्करी बंद कर और सच बोल। क्या मुझ जैसा तुच्छ मस्करा आप जैसे बादशाह के नाक के नीचे से हथियार चुरा सकता है? बादशाह सलामत के सामने कोई ऐसी बात सोचेगा भी तो उन्हें पता चल जाता है, और आपके सैनिक कहते हैं कि ऐसी बात हुई, आपको पता नहीं चला? यदि मैंने वो हथियार चुराए हैं तो आपके सैनिकों को मिला क्यों नहीं? ये झूठ बोल रहा है हुजूर, मैंने खुद इसे किसी से कहते हुए सुना है। सुना था, देखा तो नहीं था ना? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है हुजूर, यदि इन्होंने देखा होता तो इन्हें पता होता कि मैं आपका दिल बहलाने के लिए एक नए चुटकुले का अभ्यास कर रहा था। हुजूर, मैंने तो दो आवाजें सुनी थी। दोनों आवाजें मेरी ही थी। हाँ, अलग मेरा साज है, अलग ही अंदाज है, इस गले में दो तो क्या सैकड़ों आवाज है। हुजूर, इस मस्करे ने किले में हथियार छुपाए हैं। बहुत खूब। तक मैं अपने बच्चों को नहीं देखती, अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगी। बड़ी भाग्य वाली हो आप कि आपके पति के राजद्रोही होने के बाद भी रानी साहब ने आपके लिए भोजन भिजवाया है। राजद्रोही? मुझे ये शाहू जी का साथ दे रहे हैं। हाँ, रानी साहब को अभी आपके पति और धाना जी के द्रोह की सूचना मिली, वो चाहती तो आपको कारागृह में डाल सकते थे, पर आप गर्भवती है ना, इसलिए आपको यहाँ रखा है। अगर आपको भूखा रहना है तो रहिए, पर बच्चे को भूखा क्यों मार रहे हैं? बिना तैयारी के योद्धा को युद्ध पे नहीं भेजा करते। मैं अपनी संतान को आने वाले कठिन जीवन के लिए तैयार करके ही संसार में भेजूंगी। रानी साहब और राजे को अगर ये लगता है कि मुझे मेरे बच्चों से दूर रखकर वो हमारा साहस तोड़ पाएंगे, तो वो ना अब तक मुझे जानती है ना मेरी संतान को। चिमना भाव, आप कुछ करो ना, हमें यहां से बाहर निकालो ना। हो सकता है बाजी की सुरक्षा कारणों की वजह से कोई और भी हमारे संदेश पढ़े, तो मैं पत्र में अपनी सभी बातें गुप्त रूप से लिखनी होंगी। यदि सब कुछ सकुशल है तो अपनी आय की तरह पत्र के आरंभ में ओम गंग गणपतये नमः लिखना, और कोई समस्या है तो पत्र के आरंभ में हर हर महादेव लिखना। यह अंतर इतना सूक्ष्म है कि कोई इस पर विशेष ध्यान नहीं देगा, पर हम समझ जाएंगे कि तुमने जो कुछ लिखा है सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है। भीव, अब तेरे दूध के दांतों की धार दिखाने का समय आ गया है, हमारे हाथ पर जोर से काट। नहीं भाऊ, मैं आपको नहीं काट सकती,
आपको पीड़ा होगी। काटना पड़ेगा। काट काट। तू ही हमारी इकलौती शायद आ गया। आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं राजे? आई साहेब, ये वही स्थान है जहाँ हमने पहली बार देखा था कि हमारी आई साहेब हमें सिंहासन पर बिठाने के लिए क्या कर सकती हैं। और आज यहीं आप सुनिश्चित करेंगी कि हमें सिंहासन से कोई दूर ना कर सके, कोई नहीं। आई साहब, हम आपको कमरुद्दीन खान से मिलाने लाए हैं। वो हमारी मदद करना चाहते हैं आई साहब। पर हम उनसे मदद नहीं चाहते। सिंहासन को बचाने के लिए कमरुद्दीन तो क्या, हम किसी मुगल से नहीं मिलेंगे। आई साहब, हम दोनों ही चाहते हैं कि ये सिंहासन हमारे पास रहे। सिंहासन हमारे लिए बड़ा है राजे, पर देश से फिर भी छोटा है। हमारा पूरा जीवन मुगलों से संघर्ष में निकला है। हम उनसे समझौता नहीं करेंगे। भाई साहब, आप अपनी ही सिखाई राजनीति भूल रही हैं। आप ही ने सिखाया है कि युद्ध में सब सही होता है। सिंहासन के लिए युद्ध होने वाला है और इस युद्ध में हमारे शत्रु शाहू जी हैं। कमरुद्दीन खान शाहू जी के शत्रु हैं और शाहू जी हमारे शत्रु के शत्रु मित्र होते हैं, हो ना? आई साहब, कम से कम एक बार कमरुद्दीन खान का प्रस्ताव तो सुन लीजिए। वो आज मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने दीजिए। और यदि गर्दन तक हाथ पहुंचे तो काट दीजिएगा। यदि आपने इस सिराजुद्दीन की गलत सूचना के कारण इस बेगुनाह को सजा दे दी होती तो इतिहास में आपकी शान में दाग लग जाता। हजूर, जापना मुझसे गुस्ताखी होगी, आइंदा से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी हजूर। आइंदा से बादशाह सलामत। इस मस्करे की विनती है कि इसकी गर्दन बख्श दी जाए। क्या? जी हजूर, बख्श दीजिए। सिर्फ इसकी जुबान काट दी जाए ताकि लोगों को याद रहे कि बादशाह कमबख्श के सामने बिना पूरा सच जाने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए।
माफ कर दीजिए हुजूर। मस्करे तुम्हारा ये ख्याल हमें पसंद है। अब या तो तेरी गर्दन कटेगी या सबर। मुंह खोल। खोल दो! मैंने तेरे प्राण सिर्फ इसीलिए बचाए हैं ताकि तू अपने बादशाह को बेवकूफ बनता देख तो सके पर मुंह से कुछ बोल ना सके। बेबसी क्या होती है ये मराठी तो जानता है, अब तू भी जान जाएगा। किस्मत भी क्या क्या खेल खेलती है रानी साहब। अब जिस जगह पर आपने अकेले अपने बागी सरदारों को बगावत की सजा दी थी, हमें शिकस्त दी थी और ये साबित कर दिया था कि एक औरत मर्दों पर भारी पड़ सकती है, आज आप उसी जगह पे खड़ी हैं, पर आज ना वो यकीन है और ना ही वो तेवर। तूफान में अवश्य है पर ये नौका अभी डूबी नहीं है। भाग्य ने हमसे हमारा सुहाग छीन लिया, फिर भी हम कमजोर नहीं पड़े। इन कंधों पर पूरे देश का भार आया पर हम कमजोर नहीं पड़े। राजनीति से लेके रणभूमि तक अकेले डटकर खड़े रहे, फिर भी हम कमजोर नहीं पड़े। और आप समझते हैं कि दो वफादारों के जाने से हम कमजोर पड़ जाएंगे? तारा रानी, आप तो क्या किसी मर्द के सामने न झुकी है और न झुकेगी। बाखुदा, सुनके तसल्ली हुई कि आपके सामने आज तजवीज पेश करके हम कोई गलती नहीं कर रहे। हमने कभी कबूल नहीं किया, पर हम हमेशा से मानते हैं कि आप एक शेरनी हैं जो अपने बच्चे की हिफाजत कर रही हैं। और आज देख लिया कि जख्मी होने पर शेरनी और भी खूंखार हो जाती है। खान साहब, बेहतर होगा आप अपना प्रस्ताव सुना दीजिए। आप एक वतन परस्त मराठी हैं, जाहिर है आप नहीं चाहेंगी कि अपने बेटे को तख्त पे बिठाए रखने के लिए आप अपनों का ही खून बहाएं। शाहू जी और आपके बीच में जो जंग होने वाली है उसका फैसला बिना खून बहाए भी हो सकता है। अगर सारे मराठी सरदारों की वफादारी आपके साथ आ जाए तो शाहू जी के साथ जाने को कोई बचेगा ही नहीं। आप वो कैसे करेंगे खान साहब? जंग अगर लड़के जीती जाए तो लोहे से जीत नहीं सकती, और बिना लड़े जीती जाए तो सोने से। आपको सरदारों की वफादारी खरीदनी पड़ेगी, और वो वफादारी खरीदने के लिए आपको जितना सोना जितनी दौलत चाहिए हम आपको देंगे। और बदले में हमें आपसे वादा चाहिए कि कमबख्श से दक्खन छीनकर जब हम अपनी निजामशाही की नींव रखेंगे तो आपकी फौजें हमें हैरान नहीं करेंगी। बालाजी के साथ हमारी जाती दुश्मनी है, इसलिए बालाजी और उनके घर वालों को आप हमें सौंप देंगी। तुम हमें यहां से छुड़ाने की बात कर रहे हो बाजी, पर क्या इस काम को करने का यह सही समय है? सही समय तो पता नहीं मल्हार, पर यह काम करने का यही समय है। मेरे बिना मेरी आई, मेरे भाई बहन एक एक पल डर के साए में गुजार रहे होंगे, उन्हें मेरी आवश्यकता है।
और वैसे भी जिसके पास कम समय हो उसके लिए हर समय सही समय है। सबको तैयार करो, जैसा मैंने कहा था वैसा करो। महादेव ने चाहा तो कल हम सब स्वतंत्र होकर घर वापस लौट रहे होंगे। हर हर महादेव, हम सब यहां सकुशल हैं। आई का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। वैद्य जी ने कहा है कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। भी और मैं यहाँ महल में बहुत प्रसन्न हैं। दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और नई नई चीजें देखते रहते हैं। भाऊ एक पल के लिए भी आई को अकेला नहीं छोड़ते। आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए। महाराज के होते हुए आपको हमारी सुरक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका पुत्र श्रीमान जिमना जी साहेब। काय झालं बालाजी? पण इस पत्र में तो ऐसी कोई बात नहीं बालाजी। इसमें जो कुछ लिखा है स्थिति उसके एकदम विपरीत है धनाजी। हमने बाजी से आते हुए कहा था कि स्थिति यदि अनुकूल ना हो तो पत्र के आरंभ में हर हर महादेव लिखना। ये पत्र बाजी ने नहीं जिमना ने लिखा है, वो भी अपने रक्त से। पता नहीं हमारा परिवार किस स्थिति में है। हमें जाना होगा। धन भले बालाजी, इस क्षेत्र के सभी मराठी सरदारों को हमारा पत्र मिल चुका है। वो लोग कल हमसे मिलने के लिए तैयार हैं। यदि कल हमें उनका समर्थन मिल गया तो हम सिंहासन पर बैठने के लिए सतारा कूच करेंगे। जिस चमत्कार से आपने धानाजी और श्रीपत राव को हमारे पक्ष में किया है वही चमत्कार कल भी दिखा दीजिए। हमें आपसे बहुत आशाएं हैं बालाजी। पण महाराज बालाजी के धाना जी या महाराज करें तो क्या करें? एक तरफ हमारा कुटुंब है और दूसरी तरफ पूरे विश्व को कुटुंब मानने वाला वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श।
मुझे आपकी जरूरत है और हमारे बच्चों को भी। हम जानते हैं कि हमारे परिवार को हमारी आवश्यकता है, पर इस समय देश की आवश्यकता हमारे परिवार से बड़ी है। हम तो मात्र एक पिता हैं, पर आप परम पिता हैं पापा। हम चाहकर भी अपने परिवार के पास नहीं जा सकते, और आप जो चाहते हैं उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। हमें विश्वास है कि इस विपत्ति काल में पापा आप हमारे परिवार का विश्वास नहीं टूटने देंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.